फ्रेंड्स, मैं हरिओम मास्टर चैनल की तरफ से विजयलक्ष्मी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है वास्तु। वास्तु जिसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि हम पानी कहाँ पे बोरिंग करें, कहाँ पानी हम रखें, कहाँ हम नल रखें। पानी का जो 24/7 हम लोग को ज़रूरत पड़ती है वो हम कहाँ पे स्थापित करें, उसका एक बहुत ही सिंपल रेमेडी आपको देखती हूँ। एकदम सिंपल, जो आप घर कोई भी इजीली आप अपने घर में वो चीज़ को कर सके। जैसे हम सबको मालूम है कि नॉर्थ डायरेक्शन आपके घर का कौन सा कॉर्नर है। अगर आपको नहीं मालूम, आप कंपास लीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन जहाँ पे भी 0 डिग्री होगा, दैट इज़ योर नॉर्थ डायरेक्शन। सो आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जैसे ही आपको आपके घर का कॉर्नर पता चल जाए कि हमारा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो आप ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, तो आपका घर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ पे आप इजीली पानी कहीं भी रख सकते हैं, साउथ डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं। मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, एक बहुत ही सिंपल है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये आपका 4 डायरेक्शन है। उसमें से आपको एक लाइन खींचनी है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, तो आपका घर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पे आप पानी कहीं भी रख सकते हैं, और साउथ वाले डायरेक्शन में आपको पानी नहीं रखना है। अगर रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। कल मैं वापस हाजिर होती हूँ एक छोटे से एस्ट्रो टिप के साथ। तब तक के लिए हरिओम।